आप देख रहे हैं बिहार का वो मसीहा जो लगातार संघर्ष कर रहा था फिर से जनता के बीच है। श्री पप्पू यादव जा रहे हैं, आप लोग इतना भीड़ काय कर रहे हैं? बस लोग कभी नहीं घुसने दीजिएगा भैया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। भैया आप सुप्रीम पप्पू यादव जी समझे सुनीता के घर आप लोग से रुपया की बात उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे साथ बात करेंगे आप हमारे साथ लगा बने रहिए। मुखिया जी आइए रख पति हो इन्हें इन्हें आप लोग पीछा भी हमारे पीछा से हटिए ना आप लोग सुनिए मुखिया जी है क्या पीछे थोड़ा हट जाइए अध्यक्ष है ना मुखिया जी पीछे हट जाइए चलिए छोड़ छोड़ रानू जी हैं रानू शंकर जी गाड़ी बहुत पीछे तो पीछे पड़ गया फोन कर टीचर हैं पढ़ाते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती हाँ वो जो हाँ स्वामी विवेकानंद जयंती जयंती के अवसर पर जी जी उसमें पीछे हट जाइए बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर इनका है नमोन उमन तक का लड़का आता है पूरा इस इलाका में मुखिया जी मुखिया जी आए थे पहले मुजफ्फरपुर से अजीत कुमार और सबसे बड़ा विश्वास सुरेंद्र पिताजी इनके पिताजी जी वहाँ भाग है प्रेस के लोग हैं क्या जी 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 प्रेस वाले अपने बैठो ना यहाँ रामू जी विधायक जी के बगल में ठीक है ना दादा रहने दादा और प्रेस वाले को यहाँ आगे आ जाए बाबू आ गया प्रेस वाले अरे रुक जाओ भैया सब वही अरे हम इनको बोल रहे हैं खाली पैर में नीचे रखो और मैं चाहता हूँ पप्पू यादव जी उसे अपनी ताकत प्रदान इसके अलावे मैं विनती के कोई शब्द भी आपके समक्ष हल्ला नहीं करे बाप
किस जगह पर कहाँ खड़ा होकर इसे देनी है, इसे मुझे लगता है कि मैं बताऊँ तो मैं पहले अगर मैं क्या कर सकता बस यही अपेक्षा है शायद कुछ दशा में जब मुक्तेश्वर बाबू को आवाज देना तो मुक्तेश्वर बाबू जब वो अंतिम सांस ले रही हो तो जो आवाज शायद वो जो अपेक्षा की होगी किस रूप से भी मिले उसकी हम तो एक बाप के रूप में और एक शिक्षक के रूप में दोनों ही रूप में ये चाहेंगे कि हमने केवल सेवा की और सेवा करने के दौरान साहस करना निडरता किसी में आए क्योंकि स्वाभाविक है जब तक ये सब की जमीन है जिससे व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है तो ये मेरा पर फोन लगाने बोले इसके अतिरिक्त मैं अपनी बात कुछ नहीं कर सकता आपको अगर मुझसे कुछ जानना हो तो आप इस घटना के परिस्थिति क्या है हुई या परिस्थितियां बनती गई नहीं ये घटना परिस्थिति बनाई गई या परिस्थिति को तैयार किया गया जाती रही हो आते जाते रहती थी सवेरे में कोचिंग जाती थी और 10 बजे तक कोचिंग से लौट जाती थी जो घटना से जुड़े आरोपी या फिर जो जिन्होंने स्वीकारा है तो अरेस्ट हुए हैं तो उससे इसकी कोई मतलब कि उस किस नज़र से वो देखते हैं इसको रीड नहीं करती थी है ना बस केवल इस प्रकार और इसी दौरान उन लोगों ने कुछ अपनी प्लानिंग की बस कई लोग हैं जो पांच ऐसे हैं और एक महिला पांच गिरफ्तार हुए सर उसमें से चार पुरुष है एक महिला है नहीं नहीं छह गिरफ्तार हुई है और पांच पुरुष है तो महिला के ऊपर आरोप है कि उसने साक्षी को साइकिल छुपाने का काम साइकिल उसके घर से सबसे बड़ा सब्जेक्ट की है ना सर कि जो वहां पे जो चश्मदीद चाहे परिवार भी बता रहा है कि लड़की के साथ जो मतलब जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि पहले रेप हुआ लेकिन प्रशासन इस चीज को नकार रहा है कुछ देखा है उस बच्ची की तस्वीर कहाँ आप नहीं आए थे क्या आप रह गए थे क्या अच्छा फिर तो यहाँ से गाड़ी में बैठ जो मतलब जो बस तो स्थिति से अच्छा एक बात पत्रकार जी बताइए बच्ची से क्या दुश्मनी थी कि मारने के लिए यही तो सर सब्जेक्ट का बात है कि पुलिस प्रशासन अपना नाकामी छिपाने के लिए कह रहा नहीं, है बात ये नहीं था बात सर जर क्योंकि मैं हम लोग तो यहाँ पांच सात दिन से जब वो एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उनसे जब बात हुई थी उन्होंने बताया कि इनको फॉलो बहुत दिनों से कर रहा था वो लड़का उनको मौका नहीं मिल रहा था और वो जो लड़का था पहले भी आपराधिक किस्म का था पहले भी कई कांडों में इसी तरह के कांड में पकड़ा जा चुका था भैया पहले फॉलो कर रहा था तो मर्डर के लिए तो फॉलो कर नहीं मर्डर के फॉलो नहीं कर रहा था नाकामी छिपा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज गलत नियत से ही फॉलो करा था ये भी बात बोला है गलत नियत चेंज किया जी पूछ लिया जाए चेंज नहीं किया गया लग रहा है शंका है जो हमें बताया गया चेंज करने का क्या कर सकते हैं जो रिपोर्ट हम देखे उसके अनुसार था कि बच्ची के क्या भाई जैसे जो बड़ी जिस अवस्था में मिली थी उसको देखिए प्रतीत होता था कि लड़की के साथ यही हुआ अब फोटो अगर देखना चाहेंगे सर तो हम दिखा देंगे ये देखिए उसकी तस्वीर है देखिए उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कि उन्होंने बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने कही थी कि इसी नियत से नियत से हाँ इस नियत से उन्होंने मतलब इन लोगों ने उसको कई दिनों से उसको वाच कर रहे थे मौका की तलाश कर रहे थे और मौका जब मिला तो आप स्कूल चला कोचिंग चला और तुम्हारे क्योंकि बच्ची मेरी थी तो स्वाभाविक लिंक होता क्या है कि तो आप कोचिंग चला रहे हैं दूसरी बात है थोड़ा सा एक धारणा भी रहती है कि गाँव से ज़्यादा अच्छा बाजार में पढ़ा सबसे बड़ी बात है और वो लेकिन दो साल से निरंतर
पेशे से शिक्षक है लेकिन हर प्रकार के समाज कार्य में रहते हैं समाज मतलब आसपास के लोग ये चीज़ है जो उनसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मतलब कोई स्मृति तो है ही नहीं आज तक सब यही कहा भाई उस व्यक्ति से किसी उसने भी ये बात कहा कि मैं पहचानता भी नहीं हूँ ऐसे भी शिक्षण कार्य जो सर करते हैं सेवा भाव से ही करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सर वो खासकर लड़कियों को ये फी नहीं लेती महिला सशक्तिकरण के लिए सर मतलब क्षेत्रीय स्तर पे जो काम किए हैं लेकिन ये उनको तो लगा कि आकाश स्वतंत्र है और एक बच्ची इन बच्चियों को भी एक जमीन स्वतंत्र मिलनी चाहिए परंतु क्या पता था कि अमल रिक्वेस्ट के साथ गाना है जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार जी वो आके उनका जो स्टेटमेंट था सर मतलब बहुत पीड़ादायक हुआ वो ये कहना कि ये महेश बाबू की धरती है आप लोग ऊंची जाति से है ऐसा मतलब नहीं बोले विशेष वो बताएंगे बताएंगे विशेष बगलगीर हैं सर और हर जगह हम हई हैं पहले दिन से यहाँ जो बहुत नेता आए हैं गए हैं सब आदमी हर पार्टी के यहाँ जो उमेश कुशवाहा पूर्व विधायक आए उनका बयान बहुत गलत हुआ जो महेश बाबू की धरती है आप लोग ऊंच जाति से हैं इसको हाईलाइटेड नहीं करना चाहिए और एक है जो डीएसपी साहब का बयान है जे मैं सम्राट चौधरी का समधी हूँ पटोरी के लड़का सब था तुम्हारे गार्जियन को जूता के नोक पर ना कर अगर बाएं हमारे सामने की सब बात है ये तो हमारा बगलगीर है हम तो हर समय रहे हैं पकड़ाया है निकला है तकनी हर समय हम थे सारा की साथी है। हम तो बगल के हैं यहाँ ये बयान एसपी थाना प्रभारी का ठीक था डीएसपी का कोई बयान अच्छा नहीं था ये सारा आदमी जानते हैं आपके रूप में नहीं समस्त और जितना आदमी थे उस सब आदमी थे आपने हमेशा आवाज उठाई है आवाज दी है मजबूती दी है आवाज देने यही मेरा एक आग्रह ये केवल बात उस बेटी का नहीं रहता है अब तो किसी दुनिया में कहीं होगी वो लेकिन शायद अगर किसी रूप से अगर इस आवाज को मिल सकता है और जहाँ तक उसको किसी न्याय की जो अपेक्षा करते हैं हम उस न्याय की उम्मीद में तो जगी रहती है बधी रहती है और मिल जाती है तो शायद अन्य बेटियाँ जो उनके लिए एक ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच सर कहना है कि ये घटना कब तक ऐसे ही घटती रहेगी लगातार बेटियों को मरना पड़ेगा शुभम जी सीधा आने दीजिए उसको आप हैं जी आइए शुभम ये तो थोड़ा सा सीधा हो जाए शुभम जी को थोड़ा सा इधर सीधा हो जाएगा अब कुर्सी कर ले सर पचपन हमारी भी उम्र हो गई लड़ते लड़ते थक गए बच्चे कहाँ हैं बच्चे कहाँ हैं अरे वहाँ बुलाइए ना वहाँ बैठाए ना वहाँ इधर बुलाइए यहाँ आ जाएगा बगल में खड़ा हो जाएगा यहाँ बैठा यहाँ
वैसे तो आप बच्चे को ज्ञान दे दीजिएगा मेरे अनुसार, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बच्चों के लिए पार्टी की तरफ से मदद, हमारा 50,000 रुपया मदद करते हैं और एक बच्चों को और 50,000 रुपया हमारी पार्टी मदद करे, दोनों को आप पढ़ाइए पाकिस्तान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस बच्ची के न्याय के लिए जहाँ तक सवाल है, एक मेडिकल बोर्ड के लिए हम चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, आप ले लीजिए। देखिए दो तीन बात समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात ये समझिए कि घर मेरी बेटी हो या किसी भी घर की बेटी हो, सुरक्षित नहीं। समाज का जो सोशल मीडिया है, जो लगातार जिसको निगेटिव अप्रोच के साथ युवा अलग रूप से देख रहे हैं, जिसके चलते हालात अच्छे नहीं। दूसरा, इस देश में निर्भया, बड़ी बड़ी निर्भया घटना घटी, सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन बच्चियों की बलात्कार के और बच्चियों के लगातार एक्सप्लोइटेशन की संख्या बढ़ती चली गई। दिल्ली में निर्भया बलात्कार के बाद कई लाख ज्यादा बच्चों का बलात्कार हो चुका है। तो एक घटना में सत्ता बदल गई, जिस घटना को मीडिया हाइपर देती है वो तो ठीक है, मीडिया की गलती क्या है कि मीडिया एक चीजों को उठाती है और कई सारे ऐसी बच्ची हैं जिसको दफना देती है। नतीजा होता है कि एक मुद्दों से समाज में, ये मैं एक बात मानने को तैयार हूँ कि यह केरल नहीं है, बिहार, तमिलनाडु नहीं है, साउथ नहीं है, दिल्ली जैसा पढ़े लिखा कंसस जगह नहीं है, बिहार और यूपी की हालात इतने हैं, जब यहाँ पर किसानों के साथ आज 9 महीने से इतनी बुरी स्थिति हो रही है तब भी शरीर में आग नहीं लगती है, जब जेब में 100 रुपये 50 रुपये नहीं होते हैं तब शरीर में आग नहीं लगती है, बिना सरसों के तेल के, बिना फॉर्चून के आप सब्जी खाने की स्थिति में तब आपको आग नहीं लगती है। हालात इतने बुरे हैं बिहार में कि किसी भी तरह की लोगों के मन में क्रांति का कोई मतलब नहीं है। जैसे कल मैं 5 महीने के बाद रिहा हुआ, अब आप सोचिए कि बिहार में लाखों लाश को हम उठाए कोरोना में, रेमडेसिविर सुई के चलते मरे लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर के चलते मरे लोग, वेंटिलेटर के चलते मरे लोग, डॉक्टर ने अपने अरबों खरबों रुपया कमाने के लिए मार दिया, एम्बुलेंस के चलते लोग मरे, ड्रग्स माफिया के चलते लोग मरे, फर्जी बड़ा बड़ा नर्सिंग होम के चलते लोग मरे, 13 लाख 12 लाख 14 लाख रुपया 20-20 लाख रुपया तक लिया गया। अब इन माफियाओं के खिलाफ लड़ना हमको महंगा पड़ गया और 5 महीना हमें लड़ना पड़ा दिल्ली से लेके यहां तक। आप बच्ची का बलात्कार हुआ, इसको आप 2 दिनों के बाद इस सेंसेसनेस को आप खत्म कर दीजिएगा पत्रकार जी, मामला खत्म हो जाएगी। पहले सुनिए, जहां एक तरफ पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यह पोस्टमार्टम को दबा दिया गया, तो क्या मेडिकल बोर्ड की गुंजाइश है या नहीं, उच्च स्तरीय जांच की गुंजाइश है या नहीं? हम पीएमसीएच के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करने की मांग करेंगे, हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग करेंगे, मेडिकल बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के कोई डिप्टी डायरेक्टर रैंक का भी लोग रहे, हम मांग करेंगे। चूंकि लगातार इसमें यहां के पूर्व विधायक राजनीतिक कारणों से जिस तरह का बयान दिए हैं वो, या उनकी लिए संवेदनहीनता की प्रकाशता है, गंभीर नहीं है बच्ची के प्रति, गंभीर नहीं है मां और बहन के प्रति,
ये सवाल इस घर की बेटी का नहीं है। इसके बाद अभी समस्तीपुर में एक बच्ची का बलात्कार होकर मार दिया गया, बगल में एक बच्ची का बलात्कार हाजीपुर में हुआ, वहां घटना घटी वहां मार दिया गया। इस घटना के बाद कई घटना हो चुकी है, लेकिन ये जो सामाजिक चरित्र है कुछ लोगों का कैंडल जलाना, और कैंडल जला के ही दो दिनों में वो चाहते हैं अपनी व्यूवर्स को बढ़ाना और अपनी लाइक बढ़ाना, वो दो दिनों के बाद उनका कैंडल कहां चला जाता है। एक लंबे संघर्ष की जरूरत है बिहार के बच्चियों के बलात्कार जैसी चीजों के खिलाफ लड़ने की। लगातार बिहार में हर दिन 5 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार जो पेपर अखबार में आता है वो है। गांव घर में और अन्य बलात्कार जो होते हैं जिसको परिवार और समाज दबा दिया देता है कि नहीं नहीं बच्ची की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वो तो अनगिनत है। सरकार से मांग करता हूं एक टास्क फोर्स की, रेप जैसी घटना में स्पीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा मुकर्रर हो, रूह कांप जाए बलात्कारियों का, ताकि नजीर बने ऐसी घटना करने वालों के खिलाफ कि 3 महीने में हम फांसी की सजा भुगत सकते। लेकिन होता क्या है, एक तरफ सरकार बलात्कार जैसी घटना को पोस्टमार्टम नहीं होने देता है। परिवार आरोप लगा रहा सर बदला गया है। मैंने क्या कहा, संख्या नहीं बढ़े बच्चों के बलात्कार का जिसके चलते पोस्टमार्टम को दबा दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सरकार बलात्कार जैसी घटना का FIR थाना में नहीं होने देता है, ताकि जो सेंसस रेट भारत में बच्चों के बलात्कार का है उसमें बिहार की संख्या नीचे रहे। सरकार आंकड़ेबाजी में बिहार के बच्चियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो नीतीश कुमार नाकामी छिपाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ करवा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें SP है, IG है, DIG है, पदाधिकारी है, सिविल सर्जन है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। अब नीतीश कुमार के बारे में सिर्फ ये कह देना, निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस सरकार के मुखिया है, उससे वो बच नहीं सकते। बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर। सर बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें हर नेता लोग करते हैं, और दुर्भाग्य यह है बेटियों को भी जाति के आधार पर ही लोग देखते हैं। बलात्कार हुआ तो किस जाति के लड़के ने किया और किस जात का हुआ, जिस जात का बलात्कार होगा उसके लोग आएंगे, उसके लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे, और जिस जात के लोग का बच्चा बलात्कार किया उस जात के लोग इससे दूर हो जाएंगे। तो कौन न्याय दिला पाएगा जरा बता दीजिए। प्रशासन की भूमिका जो है सर, गिरफ्तारी भी हुई जो स्थानीय लोगों के प्रयास से, वो नगण्य है। भैया मेरे, मैंने आपको पहले ही कहा इस बच्ची की हत्या बलात्कार के बाद ही हुई है, अन्यथा बच्ची की हत्या नहीं होती किसी भी कीमत पर। तो सर पुलिस कहीं ना कहीं बलात्कार को दबाने के लिए ही बच्ची की हत्या की गई, अन्यथा कोई पिता से दुश्मनी नहीं, कोई बच्ची से दुश्मनी नहीं। निजी दुश्मनी यदि परिवार से होता तो परिवार से बदला लेता। वो मासूम बच्ची, मासूम बच्चे जो पढ़ रहे थे और उनका बलात्कार सिर्फ एक ही सवाल खड़ा करता है कि बच्चियों का की हत्या बलात्कार के ही कारण हुई। यदि पोस्टमार्टम को बदला गया तो उसके लिए हमें डिमांड करना चाहिए, जो मैं कल जाते ही चिट्ठी लिखूंगा, कि इस को हायर अथॉरिटी से इसको दोबारा उसकी जांच करवा ली। एक दूसरी चीज, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेता दोहरी और दोगली चरित्र के कैरेक्टर के साथ बलात्कार पर भी
बेटियों का बंटवारा जाति के आधार पर करता हो, उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, सत्ता पक्ष के लोग क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ पर सर गांव में बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से कमजोर। भैया मैं हजार बार कह चुका हूँ, समाज के इन वर्तमान में जो समाज का चिंतन है और चरित्र है, जो हालात है, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है। सर सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों के नेताओं के आने के बावजूद कार्रवाई का आश्वासन मिला और कार्रवाई के नाम पर प्रशासन नगण्य है। मुझको नहीं पता सत्ता पक्ष और विपक्ष, भैया मैं जे माफ करिए, हमरा बिहा में तू नटवा, तोरा बिहा में हम नटवा, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये सब छोड़ दीजिए। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं ये सत्ता पक्ष और विपक्ष। पप्पू यादव तो बिहार के मसीहा हैं, कुछ कार्रवाई करेंगे। सुनिए सर, सर एक मिनट, पप्पू यादव तो कुछ काम करेंगे तो फिर जेल में डाल दिया जाएंगे। हमको 5 महीना फिर जेल नहीं रहना है बाप मेरे, हमको यही तो सर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हम बड़ी भोग लिए, सच्चाई दिखाना बिहार में सर बंद कर देना होगा क्या? वो आप जानिए, आप लोग काम जानिए, आप लोग के घर में हमारी इस बेटी का बलात्कार हुआ, कल आपकी बहन मेरी बेटी के साथ बलात्कार होगा, तब आपको दर्द होगा। यहाँ किसी को दर्द नहीं होता, रहा न कुल में रोबन हारा, हर घर में बच्ची का बलात्कार होगा तब भी आप लोग भूल जाइएगा। किस तरह से ये बिहारी है भैया, एक बड़े युद्ध की जरूरत है, एक बड़े युद्ध की जरूरत है। डर नाम की चीज खत्म हो गई है सरकार की, इसलिए मसीहा पसीहा भगवान बनाना हमको छोड़ दीजिए। हम एक आम आदमी है, आम आदमी की तरह हम इस बच्ची के न्याय के लिए लड़ेंगे। अभी हमने इस परिवार की मदद की है पार्टी के तरफ से, हमारे स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है गुड्डू बाबू, हमारे विधायक जी इतनी चिंतित थे जब हम जेल में थे, तो बुलगानी जी ने लगातार रघुपति और दोनों आदमी इतना परेशान कि खबर पे खबर बातचीत तो हो नहीं पाती थी। तो कल इनको मैंने फोन किया कि मुझे, मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा, मैं आपको भरोसा देता हूं आज रात ही हमारी एक चिट्ठी जाएगी सीएम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सवाल पर, और एक आईजी को रिपोर्ट जाएगा कि इसकी इंक्वायरी उच्च स्तर करी जाए, और अभी तक उसका कोई गवाह नहीं मिला है। आपने गिरफ्तारी तो कर ली, आपने साक्ष भी कर लिया, लेकिन गवाह नहीं मिला है कि इस बच्ची को मारने में हमने देखा। सर गिरफ्तार प्रशासन नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि खुद से मुजरिम निकल के सामने आ गए हैं, ग्रामीण ही पकड़ते हैं, और एक ही 24 घंटे में जहां प्रशासन बटन नहीं ढूंढ पाती है, चप्पल नहीं ढूंढ पाती है, कोई सुराग नहीं, चिट्ठी के लिए उनको चिमकी। सर मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता दूं, इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी बड़े पैमाने पर राजनीतिक हस्तक्षेप है, और उन्होंने बलात्कार जैसी चीजों को छुपा करके, गवाह नहीं मिलेगा तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। एक बड़े समझदारी के साथ इस घटना को रफा दफा करने के लिए एक माहौल दिया, ताकि ये जो बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पर लोग मोमबत्ती जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे, ये जी बड़ा बड़ा लोग, बड़का बड़का हाई फाई लोग, तो उनको लगा कि ये कैलेंडर उंडर से डर लगता है इस सरकार को, अगरबत्ती मोमबत्ती जो जलाता है आजकल उससे डर लगता है। फेस वैल्यू को बचाने के लिए इस सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ इस घटना को दबाने के लिए चालाकी की तरह थाना के मिली भगत से इन्होंने एक चीज को खत्म किया है, लेकिन ये दबेगा नहीं, बड़ी लड़ाई होगी, और हम निश्चित रूप से इस सवाल को जब तक अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिना गवाह के, बिना चार्जशीट के, और बिना इस मर्डरर के खिलाफ यदि कोई आंखों देखी बात गांव वाले नहीं किए, कल के दिन मुकर गए, तो क्या न्याय मिलेगा इस बच्ची को? तो समाज कम दोषी नहीं है, समाज भी अत्यधिक दोषी है, जितना सरकार दोषी है उससे ज्यादा समाज दोषी है। परिवार सर सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है क्योंकि प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। भैया मेरे इसके लिए इनको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, या तो सरकार लिखे या तो हाईकोर्ट जाए। अब तो कैलेंडर उलेंडर अगरबत्ती और जल गई जी, अब पकड़ा भी गया, अब व्हाट्सएप फोटो पेपर में आ भी गया कुछ लोगों का जी, कुछ नेता चमक भी गए, कुछ यूट्यूबर घट भी गया, तो
आप लोगों के बारे में मेरी बिल्कुल राय है कि सिर्फ मालिक सेंसेशनस को इस तरह पैदा नहीं कीजिए जिससे हमारा यूट्यूबर हमारा व्यूवर्स कैसे बढ़े, इस बच्ची को न्याय कैसे मिले इसके लिए हमारा साथ दीजिए, हम भरपूर मदद करेंगे, ये मैं आपको वादा। सर सुनने में आ रहा है कल से जेल से निकले वैसे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से। चलिए अभी पॉलिटिकल बात यहाँ कुछ नहीं, मैं कट करो सूरज, हम अभी जा रहे हैं सिर्फ आपसे मिलने आए, हमारी पूरी संवेदना इस परिवार में, हमारे हाथ में जुबान में जितनी ताकत होगी। मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जानता कि कितनी ताकत है, जितनी ताकत हो इस बच्चे की न्याय की। शुक्रिया।